ब्रह्मचर्य का स्पष्ट सी बात है संबंध ब्रह्म से होता है। जब तुम्हारा आचरण ब्रह्म के केंद्र से संचालित होने लगे तो तुम हुए ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य में बहुत सारी छोटी छोटी बातें तुमको व्यर्थ लगने लगती हैं, और वही बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो व्यर्थ लगती हैं उनमें एक छोटी सी बात है स्त्रियों के पीछे भागना। तो ब्रह्मचर्य एक विशाल पेड़ है, और उस पेड़ की एक छोटी सी पत्ती ये है कि अगर तुम पुरुष हो तो अब औरत के पीछे नहीं भागोगे, और तुम औरत हो तो आदमी के पीछे नहीं भागोगे, क्योंकि ये काम अब तुमको बचकाना लगता है, ये काम अब तुमको बेवकूफ़ी भरा लगता है। इसलिए नहीं कि तुमने बड़ा संयम अनुशासन करा हुआ है और बिल्कुल बांध दिया है, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें ये सब काम अब मूर्खतापूर्ण लगते हैं। तुम कहते हो थोड़ा सा समय है जीवन में, उसको इन कामों में नहीं लगाना है, समय लगाने के और कई अच्छे स्थान हैं, उपक्रम हैं। ब्रह्मचर्य का प्रत्यक्ष संबंध अगर है तो मात्र ब्रह्म से। ये छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आती? ब्रह्मचर्य का प्रत्यक्ष संबंध मात्र ब्रह्म से है, सीधा डायरेक्ट। जिसने अपने अहंकार को इतना न्यून, इतना शून्य कर लिया कि अब वो सत्य पर ही जीता है, ब्रह्म के चलाए चलता है, ब्रह्म के सुलाए सोता है, ब्रह्म के खवाए खाता है, सो हुआ ब्रह्मचारी। न धन उसको बहुत बड़ी बात लगती है, न सफलता और यश और कीर्ति उसे बड़ी बात लगते हैं, न सत्ता की कोई पदवी उसे बड़ी बात लगती है। इसी तरीके से फिर उसे यौन सुख भी बड़ी बात नहीं लगता। इसीलिए ये पाया जाएगा कि जो ब्रह्म में चर्या कर रहा है वो अगर पुरुष है तो स्त्रियों से भी एक स्वस्थ संबंध रखेगा। ये नहीं कि वो स्त्रियों से दूर रहेगा, वो स्त्री से स्वस्थ संबंध रखेगा। वो ये नहीं करेगा कि जो स्त्री दिखी उसी को काम वासना की नज़र से देख रहा है। उसके लिए स्त्री जीव होगी, एक व्यक्ति होगी, उसके लिए स्त्री काम की पूर्ति का खिलौना नहीं होगी। और यही बात स्त्रियों पर लागू होती है। वो स्त्री है अगर तो वो भी फिर पुरुष से स्वस्थ संबंध रखेगी, पुरुष को ऐसे नहीं देखेगी कि ये मेरी वासना की पूर्ति का उपकरण है। ये हुआ ब्रह्मचर्य।